हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टैक। तो फ्रेंड्स, मेरे एक व्यूअर ने मुझसे कमेंट करके ये पूछा कि सर, मैं यूट्यूब पर नया हूँ और मैंने अभी अभी अपना नया यूट्यूब चैनल बनाया है और मुझे ये नहीं पता कि इसकी सेटिंग्स कैसे करते हैं, मतलब इसमें मुझे सेटिंग करनी नहीं आती। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यूट्यूब चैनल की कौन कौन सी सेटिंग मुझे करनी चाहिए? इस तरह के कमेंट मुझे काफ़ी सारे देखने को मिले, तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाकर आपको समझाया जाए कि आपको कौन कौन सी सेटिंग्स अपने यूट्यूब चैनल के अंदर करनी चाहिए। मैं आपको इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग्स यूट्यूब की बताने वाला हूँ और ये वीडियो थोड़ी लेंथी ज़रूर हो सकती है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें मैं आपको यूट्यूब की सारी सेटिंग्स को डिटेल में बताने वाला हूँ, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सेटिंग आपको अपने यूट्यूब चैनल में करनी चाहिए, सब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अब वीडियो को शुरू करने से पहले लास्ट वीडियो के विनर को जान लेते हैं। तो मेरी लास्ट वीडियो में जिसका सबसे पहला कमेंट था, उसका चैनल आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, तो प्लीज़ जाके इनके चैनल को सपोर्ट कीजिए और इनके चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। वहाँ से जाके भी इनके चैनल को ज़रूर चेकआउट करें और इन्हें पूरा पूरा सपोर्ट करें। और अगर आप भी इसी तरीके से विनर बनना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको एक सिंपल सा काम करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को पूरा वॉच करके उसे लाइक करना है और नीचे एक आपको कमेंट करना है। जिसका भी पहला कमेंट होगा उसको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसके चैनल को प्रमोट करूँगा। तो अब वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके उसे ऑल पे सेट कर लें, जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो फ्रेंड्स, ये मैं आपको लैपटॉप पे इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि इसकी स्क्रीन बड़ी है, इस पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप मोबाइल फोन से करना चाहते हैं तो मोबाइल में भी आप क्रोम ब्राउजर ओपन कर ले और उसमें इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करें जो मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो आपको सबसे पहले youtube.com पे आ जाना है और अपने चैनल के अंदर लॉगिन कर लेना है। मैंने इसमें लॉगिन किया हुआ है। उसके बाद आपको क्या करना है, टॉप राइट कॉर्नर में आपको ये अपने चैनल का जो आइकन दिखाई दे रहा है, अपना लोगो, उसके ऊपर क्लिक करना है आपको। और यहाँ से आपको ये योर चैनल का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आपको एक कस्टमाइज चैनल का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरीके की स्क्रीन ओपन हो जाएगी, आपका YT स्टूडियो यहाँ पे ओपन हो जाएगा और यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको काफी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पे नीचे आपको सेटिंग्स का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आपको सिंपल इस सेटिंग वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपके चैनल की सारी सेटिंग्स ओपन हो जाती हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहले जनरल आता है। जनरल के अंदर आप देख सकते हैं डिफॉल्ट यूनिट्स, यहाँ पे करेंसी सिलेक्ट कर सकते हैं आप अपनी करेंसी, अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग जिस करेंसी में आप देखना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे USD डॉलर सिलेक्ट है, मैं इस पर क्लिक करूंगा। आप जैसे इंडिया की भी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ऊपर INR आपको दिखाई दे जाएगा हाई वाले पोर्शन पे जाके। तो यहाँ पे जैसे मैं जिस कंट्री में आप रहते हैं उस कंट्री की करेंसी आप यहाँ से सिलेक्ट करके देख सकते हैं कि आपके कितने पैसे हुए हैं, वो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ये रहा INR, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं तो आपको रुपीज में दिखने लग जाएंगे सब कुछ। ठीक है, अभी मैं आपको वैसे ये USD में ही रखना है क्योंकि डॉलर्स में ही आपकी अर्निंग होती है यूट्यूब से। ठीक है, उसके बाद आपको सेकेंड ऑप्शन जो है वो है चैनल का, चैनल पे क्लिक करना है और यहाँ पे सबसे पहले बेसिक इन्फो आता है। सबसे पहले आपको कंट्री ऑफ रेजिडेंस, आप जिस कंट्री में रहते हैं वो आपको यहाँ से क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है। मैं इंडिया से हूँ तो मैंने इंडिया सिलेक्ट कर रखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कीवर्ड्स आते हैं। कीवर्ड्स के अंदर आप देख सकते हैं मैंने अपने चैनल से रिलेटेड कीवर्ड्स यहाँ पे लगा रखे हैं। जैसे मेरे चैनल का नाम है विकास 31 टैक, तो कोई भी अगर इस नाम को सर्च करेगा तो मेरा चैनल रैंक करेगा ऊपर। इसी तरीके से मैंने और भी कीवर्ड्स इसमें लगा रखे हैं अपनी कैटेगरी से रिलेटेड, जिस तरह की वीडियो मैं बनाता हूं तो आपको भी इसी तरीके के कीवर्ड्स अपने चैनल के अंदर अपने यहां पे आपको लिख देने हैं सारे। ठीक है, जो भी आपके चैनल का नाम है उसी से रिलेटेड सारे कीवर्ड्स लगा देने हैं। उसके बाद यहाँ पे इसमें इतना ही है। उसके बाद यहाँ पे एडवांस सेटिंग सेकेंड ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से ऑप्शन मिल रहा है आपको ऑडियंस का, तो आप देख सकते हैं मैंने ये किड्स के लिए, मतलब ये हमसे पूछ रहे हैं कि आपका जो चैनल है जो आप कंटेंट बनाते हैं वो किड्स के लिए बनाते हैं या नहीं, तो मैं किड्स के लिए मेरा कंटेंट नहीं है,
ठीक है, अगर आप किड्स से रिलेटेड चैनल बनाते हैं, मतलब किड्स से रिलेटेड कंटेंट है आपका, तो आप यहाँ पे यस कर लेंगे। मैंने नो किया हुआ है, मेरा किड्स से रिलेटेड नहीं है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक कैप्शंस का ऑप्शन है, तो यहाँ पे डोंट शो पोटेंशियली इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स, ठीक है, इसको आपको टिक कर देना है। मतलब इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स आपको यहाँ पे शो नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे सब्सक्राइबर काउंट है, सब्सक्राइबर काउंट में मतलब आप अपने सब्सक्राइबर्स को दिखाना चाहते हैं या नहीं, कि आपके चैनल पे कितने सब्सक्राइबर हुए हैं। अगर आप इसे टिक कर देंगे तो आपके चैनल पे सब्सक्राइबर्स दिखने लग जाएंगे। मैंने ये अनटिक कर रखा है, तो अब मेरे चैनल पे आप सब्सक्राइबर नहीं दिख रहे होंगे, तो आपको ये अनटिक या टिक आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आप यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे क्लिप्स का एक ऑप्शन है, यहाँ पे अगर आप टिक करेंगे तो व्यूअर्स जो है आपके कॉन्टेंट में से क्लिप निकाल सकते हैं। जो नीचे वीडियो के नीचे ऑप्शन आता है आपने देखा होगा, वहां पे क्लिप का एक ऑप्शन आता है, अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप वीडियो में से किसी भी कंटेंट जो आपको अच्छा लगता है आप उस पर क्लिप करके उसे निकाल सकते हैं, उसमें से किसी को शेयर कर सकते हैं। तो अगर आप इसे टिक करना चाहते हैं तो टिक कर सकते हैं, मैंने इसे अनटिक ही रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद नीचे अदर सेटिंग्स हैं, अदर सेटिंग्स के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे मैनेज यूट्यूब अकाउंट और रिमूव यूट्यूब अकाउंट है। तो रिमूव तो कौन ही करना चाहेगा अपने चैनल को, यहाँ पे मैनेज यूट्यूब अकाउंट है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप अपने यूट्यूब चैनल की और भी सेटिंग्स कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे ये एडवांस सेटिंग का लेफ्ट साइड में आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको सिंपल इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी यूजर आईडी दिखाई दे जाएगी, चैनल आईडी आ जाएगी आपकी, यहाँ पे डिफॉल्ट चैनल आ जाएगा। आप यहाँ से मूव चैनल कर सकते हैं, मूव चैनल टू न्यू गूगल अकाउंट, जो आपका ब्रांड अकाउंट है उसमें आप मूव करना चाहते हैं किसी और ब्रांड अकाउंट पे, तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो ये सारी एडवांस सेटिंग भी आप अपने चैनल के अंदर कर सकते हैं। उसके बाद इसे क्रॉस कर देंगे, उसके बाद हम वापस आ गए। अब थर्ड नंबर पे चलते हैं, फीचर एलिजिबिलिटी। इसमें आप देख सकते हैं, एक तो ये डिफॉल्ट फीचर्स हैं, जब आप अपना चैनल बनाते हैं तो ये सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। वीडियो अपलोड कर सकते हैं, प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, मतलब अपनी प्लेलिस्ट को में ऐड कर सकते हैं कोलैबोरेटर्स को, ऐड न्यू वीडियोस टू एक्जिस्टिंग प्लेलिस्ट, नई नई वीडियो को आप अपनी प्लेलिस्ट में ऐड कर पाएंगे, ठीक है। ये सब आपको डिफॉल्ट फीचर्स के अंदर देखने को मिलता है, और ये आपको जो है फीचर वो फोन वेरिफिकेशन करने के बाद मिलता है। मतलब आप जब अपना चैनल बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे आके फोन वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। इस पे क्लिक करके वेरीफाई करने के बाद आपको ये सारे फीचर्स मिलेंगे, कि आप 15 मिनट से ज्यादा की वीडियो डाल सकते हैं, कस्टम थंबनेल लगा सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, अपनी कंटेंट आईडी क्लेम पे अपीलिंग कर सकते हैं। मतलब कोई क्लेम आता है आपकी वीडियो में तो उसके लिए आप अपील कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन हो गए, जर्नल और चैनल। उसके बाद आता है अपलोड डिफॉल्ट्स का ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले बेसिक इन्फो है, यहाँ पे टाइटल आता है। तो टाइटल तो हर वीडियो का अलग अलग होता है, तो यहाँ पे हम अपलोड डिफॉल्ट्स में टाइटल नहीं डाल सकते। अपलोड डिफॉल्ट्स का मतलब होता है कि आप जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करने जाएंगे तो यहाँ पे आप जो कुछ भी ऐड करेंगे वो ऑटोमेटिक आपकी वीडियो में डला हुआ आ जाएगा वहाँ पे। तो टाइटल्स तो सबका अलग होगा, तो ये हम नहीं डालेंगे। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, आप अपने चैनल पे इस तरीके से लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इस तरीके से आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने काफी सारी चीजें, यहाँ पे प्लेलिस्ट आप ऐड कर सकते हैं, जो टूल्स सोशल मीडिया लिंक्स आप ऐड कर सकते हैं, जो टूल्स मैं यूज करता हूँ मैंने वो भी यहाँ पे डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने सारी अपने चैनल की प्लेलिस्ट डाली हुई है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ये सब आप यहाँ पे डिस्क्लेमर वगैरह सब यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे आपको विजिबिलिटी का ऑप्शन मिलता है। विजिबिलिटी पे क्लिक करके आप तीनों में से कुछ भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा लिस्टेड ही करके आप अपलोड करें, और उसके बाद उसमें जो भी आप एडिटिंग करना चाहते हैं या फिर उसे शेड्यूल करना चाहते हैं, जैसा करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टैग्स हैं, यहाँ पे आप कुछ टैग्स लगा सकते हैं, जैसे चैनल का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं और हिंदी लिख सकते हैं। ये दो टैग्स आप अपने चैनल के अंदर यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर लगा सकते हैं, आपकी हर वीडियो में जब भी आप अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिक उसके अंदर लग जाएंगे जो भी टैग्स आप यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया बेसिक इन्फो। उसके बाद यहाँ पे आता है एडवांस सेटिंग का ऑप्शन, एडवांस सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले ऑटोमेटिक चैप्टर आता है, कि आपके जो वीडियो में ऑटोमेटिक चैप्टर
जनरेट हो जाएंगे जब भी अवेलेबल होंगे, तो इसको टिक करके रखना है आपको। यहाँ पे लाइसेंस आता है, अब अपना कौन सा लाइसेंस इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्रिएटिव कॉमन्स ही रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी है, आपके चैनल की कैटेगरी क्या है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी है तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से लैंग्वेज आ जाएगी, आपकी वीडियो की लैंग्वेज कौन सी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं वो भी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन की लैंग्वेज भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे कमेंट्स हैं कि आप अलाउ ऑल कमेंट्स, हर तरह के कमेंट्स को अलाउ करेंगे तो यहाँ पे टिक कर लेंगे। मैंने यहाँ पे होल्ड रखा हुआ है, जो गलत तरीके के कमेंट हैं उनको रिव्यू के लिए होल्ड रखा हुआ है, ठीक है। तो आपको इस पे टिक करके रखना है, ठीक है, इन दोनों को अनटिक रहने देना है। उसके बाद शो हाउ मैनी व्यूअर्स लाइक दिस वीडियो, आपकी वीडियो को कौन कौन लाइक करता है, अगर आप मतलब कितने व्यूअर्स लाइक किया है, लाइक्स दिखाना चाहते हैं अपनी वीडियो के ऊपर, तो यहाँ पे अगर आप टिक करके रखेंगे तो जितने लाइक्स होंगे वो आपकी वीडियो के नीचे शो होंगे कि आपकी वीडियो पे इतने लाइक हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो मोनेटाइज चैनल में आपको ये फंक्शंस देखने को मिलेंगे। एड्स जो हैं वो मैंने सारी ऑन कर रखे हैं, ठीक है, तो आपको भी ये सारी ऑन कर लेनी है अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो। उसके बाद यहाँ पे परमिशंस फोर्थ नंबर पे है परमिशंस, तो यहाँ पे आप मैनेज परमिशन का सबसे पहले ये ऑप्शन है। ब्रांड अकाउंट है, अगर आप ना ब्रांड अकाउंट बनाना पड़ता है आपको, सबसे पहले ये जो यूट्यूब अकाउंट है उसको ब्रांड अकाउंट में कन्वर्ट करना पड़ता है। मैंने वीडियोस बना रखी हैं इसके ऊपर, कैसे ब्रांड अकाउंट बनाते हैं, कैसे चेक करते हैं कि ब्रांड अकाउंट है या नहीं, वो वीडियो आप मेरी प्लेलिस्ट यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैनेज परमिशंस का मतलब ये है कि आप अपने चैनल को मतलब अपने चैनल को किसी और को एक्सेस करने देते हैं, मतलब किसी और को आप अपने चैनल का एक्सेस दे दें, वो मैनेज परमिशन में आता है, ठीक है। यहाँ से मूव परमिशन कर सकते हैं, ठीक है, तो ये सब आपको नहीं करना अभी, तो इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये अभी। उसके बाद कम्युनिटी है, कम्युनिटी के अंदर आप सबसे पहले ऑटोमेटेड फिल्टर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे मॉडरेटर आप ऐड कर सकते हैं, इसको ब्लैंक रहने दें अगर नहीं ऐड करना चाहते तो। उसके बाद अप्रूव्ड यूज़र हैं, मतलब ये जो दो यूज़र यहाँ पे ऐड हैं इनके कमेंट्स, अगर ये कुछ भी कमेंट करेंगे वो हमेशा अप्रूव रहेगा, वो कभी भी होल्ड में नहीं जाएगा, तो ये इस तरीके से ऐड हो रखे हैं। उसके बाद यहाँ पे हिडन यूज़र हैं, ये ब्लॉक कर रखे हैं, इनके कमेंट्स कभी भी शो नहीं होंगे, ठीक है, ना ही ये यूज़र शो होंगे, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अगर किसी को ब्लॉक करना चाहते हैं। यहाँ नीचे लाइव रीडायरेक्ट्स है, ठीक है, लाइव रीडायरेक्ट का ये नया फीचर आया है, ठीक है, इसको जब आप लाइव करते हैं तब उसमें यूज़ होता है ये। उसके बाद नीचे ब्लॉक वर्ड्स हैं, अगर आप कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो गलत कमेंट्स आते हैं उनको आप यहाँ पे पहले ही उन वर्ड्स को लिख देंगे तो उस तरह के जो भी कोई कमेंट करेगा वो ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएगा, वहाँ पे शो नहीं होगा। उसके बाद नीचे लिंक्स हैं, ब्लॉक लिंक्स पे चेक कर देना है आपको कि आपकी वीडियो के नीचे कोई भी लिंक नहीं शेयर कर पाएगा। उसके बाद यहाँ पे डिफॉल्ट्स का ऑप्शन है, डिफॉल्ट पे क्लिक करेंगे तो ये वही कमेंट का है, कमेंट ऑन योर चैनल, यहाँ पे होल्ड पे रखना है आपको बस, ठीक है। मैसेज इन योर लाइव चैट, यहाँ पे भी होल्ड, पोटेंशियली जो गलत तरीके के कमेंट हैं उनको रिव्यू के लिए होल्ड हो जाएंगे वो, ठीक है, उसे आप देखेंगे, उसके बाद ही उसे आप अप्रूव करेंगे तभी वो शो होंगे वहाँ पे, इस पर टिक करके रखना है। उसके बाद यहाँ पे चैनल गाइडलाइंस हैं, चैनल गाइडलाइंस में यहाँ पे सबसे पहले वेलकम मैसेज है, वेलकम मैसेज के अंदर आप जब भी कभी लाइव करते हैं, पहले लाइव करते हैं तो लोगों को आपके चैनल के बारे में पता नहीं होता, तो यहाँ पे आप वेलकम मैसेज लिख सकते हैं उनके लिए, ठीक है, जिससे वो आपकी लाइव में जुड़े। उसके बाद यहाँ पे गाइडलाइंस हैं, आप अपने चैनल की गाइडलाइंस लिख सकते हैं यहाँ पे कि आपके चैनल पे लोग किस तरह के कमेंट्स लिखें या किसी तरह के लाइव में आपसे बातें करें, वो सब यहाँ पे आप देख सकते हैं। एग्जांपल भी दे रखे हैं कि रिस्पेक्टफुल रहना है, सेल्फ प्रमोशन ना करें, स्पैम ना करें, चैलेंज द आर्ग्यूमेंट, किसी पर्सन से झगड़ा ना करें, ठीक है, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये सब हो गया। उसके बाद यहाँ पे एग्रीमेंट्स है, ये अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये सारी सेटिंग आपको ये करनी है सबसे पहले, तो ये सारी सेटिंग्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव कर देना है, सेव करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे कस्टमाइजेशन का एक ऑप्शन दिखाई देगा, लेफ्ट साइड में ही आपको इस कस्टमाइजेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ये खुला हुआ है, ठीक है। ये भी कुछ सेटिंग्स हैं जो आपको जरूर करनी चाहिए, चैनल कस्टमाइजेशन है, ये भी इम्पोर्टेंट सेटिंग्स हैं जो मैंने बताई, वो भी इम्पोर्टेंट थी। अगर आप ये सब सेटिंग कर लेंगे तो आपका चैनल अच्छे से सारी चीजें उसमें वर्क होंगी, ठीक है, अच्छे से काम करेगा और ग्रो भी जल्दी होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे लेआउट का ये ऑप्शन है, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं
चैनल ट्रेलर है सबसे पहले, मतलब आपके जब भी कोई भी आपके चैनल के ऊपर विजिट करेगा तो आपने देखा होगा वहां पे नीचे एक वीडियो ऑटोमेटिक चलने लग जाती है, तो वही चैनल ट्रेलर होता है। ठीक है, वो ट्रेलर यहाँ पे वो ऐड करते हैं वीडियो को, ऐड पे क्लिक करके कोई भी वीडियो आप अपने चैनल की ऐड कर सकते हैं। इसमें आप वही वीडियो लगाएं जिससे लोगों को ये पता लगे कि आप अपने चैनल पे किस तरह का कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद यहाँ पे फीचर्ड वीडियो है, मतलब जो आपकी वीडियो ज्यादा पॉपुलर हुई है उसे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके का ऐड का बटन आपको यहाँ पे दिखाई देगा, उस पर ऐड करके मैंने इसे ऐड किया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको फीचर्ड सेक्शंस का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कितने सारे इसमें सेक्शन ऐड कर रखे हैं। अपलोड, पॉपुलर अपलोड, क्रिएट प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी हैं, शॉर्ट वीडियो, सारे क्रिएट हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप ऐड सेक्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आप सब कुछ ऐड कर सकते हैं। यहीं से मैंने ऐड किया है प्लेलिस्ट। ठीक है, यहाँ पे आप जो भी प्लेलिस्ट ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये कर सकते हैं आप यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है ब्रांडिंग का। ब्रांडिंग के बारे में तो आपको पता ही होगा, यहाँ पे लोगो बैनर वगैरह लगाने के लिए आता है, तो यहाँ पे आप अपनी लोगो लगा सकते हैं। ठीक है, चेंज कर सकते हैं यहाँ से, या रिमूव कर सकते हैं, दूसरा लगा सकते हैं। 4 MB से कम साइज का होना चाहिए। बैनर इमेज लगा सकते हैं, वो 6 MB से कम की होनी चाहिए। ठीक है, उसका साइज भी लिखा हुआ है यहाँ पे, कितना साइज होना चाहिए वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नीचे वीडियो वाटरमार्क है, तो ये आप वीडियो में सब्सक्राइब बटन कैसे ऐड करते हैं, ये भी सब वीडियोस मैंने बना रखी हैं। आप ये सारी वीडियोस आपको YouTube प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। मैंने ये भी बना रखी है, लोगों कैसे बनाते हैं, लगाते हैं, बैनर कैसे बनाते हैं, लगाते हैं, सब कुछ मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ पे एंड ऑफ वीडियो लगा सकते हैं कस्टम, या आप इंटायर वीडियो में लगाएं तो अच्छा रहेगा। किसी को भी आपकी वीडियो अच्छी लगती है तो वो डायरेक्ट इस पे क्लिक कर लेगा वीडियो के अंदर ही, तो सब्सक्राइब कर सकते हो आपके चैनल को। उसके बाद यहाँ पे ये थर्ड ऑप्शन है बेसिक इन्फो का, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो आपको यहाँ पे चैनल नाम, डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन अपने चैनल का ऐड कर सकते हैं, जो भी आप डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर लें। उसके बाद नीचे करते हैं, यहाँ पे आप अपने चैनल का यूआरएल आपको दिख जाएगा। यहाँ पे कस्टम यूआरएल आपका मैंने बना रखा है, वो दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कस्टम यूआरएल कैसे बनाते हैं ये सब भी आप वीडियोस आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहां से जाके देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सोशल मीडिया लिंक्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं आप। ठीक है, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम मैंने ऐड कर रखे हैं। इसी तरीके से आप भी किसी और का भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे ऐड लिंक पे क्लिक करके। उसके बाद नीचे करेंगे तो यहाँ पे आप बैनर पे कितने लिंक्स दिखाना चाहते हैं ये। ठीक है, जैसे ये 3 लिंक्स है तो मैंने फर्स्ट 5 कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं आप कि कितने लिंक्स आप अपने बैनर के ऊपर शो करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टेक्ट इन्फो है, स्पॉन्सरशिप के लिए आप अपनी कोई ईमेल आईडी यहाँ पे डाल सकते हैं, और उसके बाद यहाँ से पब्लिश कर सकते हैं इसको सारी सेटिंग्स करके। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग थी जो आपको जरूर करनी चाहिए अपने यूट्यूब चैनल में। तो मैंने अब आपको सारी सेटिंग्स को डिटेल में बता दिया है, और उम्मीद करता हूँ अब आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, अब आपने ये अच्छे से सीख लिया होगा कि वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो आपको अपने यूट्यूब चैनल में ज़रूर करनी चाहिए, और उससे आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है। मैंने हर एक चीज़ को इसमें डिटेल में आपको बता दिया है। यूट्यूब की जो भी सेटिंग है, आपको अगर आपने अभी तक इनमें से कुछ सेटिंग्स नहीं की हैं तो प्लीज़ जाके अपने चैनल पर इन सेटिंग्स को कर लीजिए, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है आपके माइंड में तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।